कहानी एक मेडिसिन स्टोर रो सही मेडिसिन स्टोर रे प्रत्येक दिन बहुत जोरे भिड़ लगे पाखरे एक क्लिनिक अछि बहुत सारा लोक सही मेडिसिन स्टोर रो मेडिसिन नियंती से दिन मु मध्य सही मेडिसिन स्टोर सामना रे धाड़ी रे ठिया हेथिले बहुत लंबा धाड़ी हेथै लंबा धाड़ी रो शेष को जने बूढ़ी माउसी ठिया हेथिले तांकर गोड़ तांकु सेति के सपोर्ट करूनथिला ठिया हेबा पई मु मध्य ताकु देखुथिली आ भाबुथिली कि तांकु आगो को नै आसिले बरंग भलो होंता किंतु जेते सारा लोक से धाड़ी पाख को आसुथांती माउसी पूरी पछ को चली जाउथांती आ सबा लास्ट धाड़ी रे जाई के से ठिया होउथांती किंतु सेही समय रे जेतेबेले सेही मेडिसिन स्टोर मालिक जणक बिलिंग करूथांती आ तांकर दुई जण पिला चटापट मेडिसिन मध्य लोक मानक देउथांती कारण भिड़ धीरे धीरे बढ़िबा को लागी थाए सेही समय भितरे से मालिक जणक टिके लंबा धाड़ी के चाहि देउथांती आ बिलिंग मध्य चटापट करूथांती सेही समय रे हुए त तांकर आखि सेही माउसी को ऊपर पड़ी गला से कोन करले ना बिलिंग बंद करी सेही दुई पुंक को कहि गले कि तमे टिके मेडिसिन स्टोर को संभाळु थ मुई 5 मिनिट भितरे जाई कि पळै आसुचि संगे संगे सेही बूढ़ी माउसी को पाख को चली गले आ बूढ़ी माउसी को पाख जाई पचारिले माउसी आपण आग को पळै आसंतु मु आपण को मेडिसिन दे देबे आपण नै के पळे जिवे माउसी जणक कहले ना रे पुओ मु एडी सेसरे ठिया हेची तो दुकान ने बहुत सारा भिड़ अछि भिड़ पूरा कमी जाऊ फांका हे गेले मु मेडिसिन नै के चले जिवे तो संगे संगे से मेडिसिन स्टोर मालिक जणक कहले माउसी कोन भाबुचंती आपण को पाखरे पैसा पत्र नाही कि ना भूली जाईचंती कोन मेडिसिन नेबे बोली जदी पैसा पत्र नाही तबे मु सेमती रे आपण को मेडिसिन दे देबी आपण एते समय ठिया हबर किछ आवश्यक नाही किंबा जदी सेमती रे मेडिसिन नेबा को चाहू नाहंती तबे परे पैसा देले चलिबो कोन कहउचंती चालंतु कोन मेडिसिन आपण को दरकार अछि नै त मते कहंतु मु आनी एबे आपण को एठी मेडिसिन दे देबी आपण आपण को घर को चली जिवे बहुत सारा लोक धाड़ी रे अछि आपण एते समय धरि ठिया हेइ परिबेनि खरा भी बहुत जोर होउछि माउसी जणक कहिले पुओ तू मो पई व्यस्त हो ना मु पूरा फांका हे गला परे मेडिसिन नेबि ना अरे पुओ पैसा मो पाखरे बहुत अछि मो पुओ गोटे बड़ चाकरी करिछि पैसा पे तू व्यस्त हो ना संगे संगे मेडिसिन स्टोर रो मालिक जणक पचारिले अच्छा माउसी कौन आपण एमिति किछि मेडिसिन नेबे कि समस्तक सामना रे से मेडिसिन नै परिबे नाही ना कोन भाबुछन्ती मु किछि बुझि परुनी मु त आपण को सुजोग दोछि कहंतु कोन मेडिसिन दरकार मते कागज देले कोन मेडिसिन डॉक्टर लेखिछन्ती मु से मेडिसिन आपण को पाखरे एठियानी संगे संगे दे देबी माउसी जणक कहले पुरे कथा कोन कि प्रतिवर्ष ग्रीष्म छुट्टी रे मोर पुओ बहु नाती नातुणी मो पाखकु बुलिबाकु आसंती ए वर्ष भी एबे ग्रीष्म छुट्टी चलीछि मु बहुत खुशी थिले मनरे भारी आनंदित थिले कि मोर पुओ बहु नाती नातुणी माने आसीबो ए वर्ष सेमानक सहित मु बहुत मजा करिवे किंतु काले राति रे मोर पुओ मते फोन कला फोन करि कहले कि मा आउ ए वर्ष ग्रीष्म छुट्टी रे आमे भारत बाहर को बुलिबाकु जाउछु तो बहु आउ नाती नातुणी सेमाने बुलिबा पई भारी इच्छा करिछंती तेनु तो पाखकु ए वर्ष ग्रीष्म छुट्टी रे आमे जाई परिबु हाँ तू मन दुख करिबु नाही ए वर्ष ग्रीष्म छुट्टी सिना आम तो पाखु जाई परुनु किंतु आर वर्ष ग्रीष्म छुट्टी कि निश्चय तो पाखकु जिबु एई कथा कहि पुआ हठात फोन टाकु काटि देला गोटिए मध्य शब्द मु कहिबार सुजोग मते देला नाही मन को मोर भारी कष्ट हला सतरे पुरे मु कोन मेडिसिन नेबि मोर एबे मने पड़ी गला हाँ तो मेडिसिन स्टोर रे कोन एमिति किछि मेडिसिन अछि कि निज पिला मानंकु भूली हबो मते से मेडिसिन दरकार पुआ मते किछि एमिति मेडिसिन दे जहा द्वारा मु मोर पिला मानंकु भूली परिबी एया कहि माउसी जणक भो भो होई कांदिबा को लागिले आमे समस्त सिटी ठिया हेथिलु आमे समस्तक आखिरे मध्य लोह आसी गला प्रकृत रे जो बापा मा बड़ करी पुओ बा झियो मानंकु मणिष करिथांती आजिकालि पेट पोसिबा पई बाहर त रहिबा को पड़िबो किंतु सेमानक पई टिके त समय काढिबा दरकार ना किंतु देखंतु आमे कोन करू आमे बेले बेले भाबु सेमानक पई बधे हमरो किछि आवश्यकता नाही प्रकृत रे बंधु माने एई वीडियो टिकु देखुथिबा समस्त बंधु मानक मोर अनुरोध केबे पेरेंट्स माने आम ठारु प्रेजेंटेशन चाहंती नाही आम मानकर प्रेजेंट चाहंती सेथि पई केबे ना केबे समय मिलिले आमे पेरेंट्स मानक सहित मिसिबा दरकार टिके कथा हेबा दरकार फोन रे मध्य बेले बेले कथा हेबा को काहा को केमिति सुजोग मध्य मिलेनी किंबा समय को आमे अन्य पटे लगाई देउ समय को पेरेंट्स मानक सहित कथा हेबार सुजोग मिलले ना कदापि हाथ छोड़ा करंतु नाही कारण आमे आज जेउठी पहुँचीचे से मानक पई ही पहुँचीचे केबे ना केबे आमे टिके समय से मानक पे निश्चय बाहर करिबा दरकार।
ଯେପରି ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରି ଯାଉ, ଅଫିସ୍ ସମୟରେ ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କରିପାରୁନି, ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ହଉ ଟିଉସନ୍ ହଉ ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୁସିକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେମିତି ବାପା ମାଆ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ହେଲୁ ଖୁସି, ସେ ଆଉ କିଛି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦିନ ବି ଏମିତି ଜୀବନରେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାଆ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିବେ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପଡ଼ିବ, ହୁଏତ କିଛି ସମୟ ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ କି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି କି, ଆଉ ସେଇ ସମୟ ସେଇ ବୟସ ଆମର ବି ଆସିବ। ଏମିତି ବୟସରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କେବେ ବି ନ ଆସୁ କି ଆମକୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ହତାଦର କରନ୍ତୁ ବା ଏଇଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବେଠୁ ସୁଧୁରି ଯିବା ଦରକାର। ଟିକେ ନା ଟିକେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହିବା ଦରକାର। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଇ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଯଦି କେବଳ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭଲ ପାଇବା ମିଳେ ନା, କେବଳ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼େନି।